मीसो लहंगा हॉल स्टार्टिंग ₹245 जस्ट। सो शादी या पार्टी वार्टी में जाना है तो उसके लिए ना बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं ये लहंगे। इसे ही मैंने सारा मेहंदी एंड हल्दी एंड सारे मंगा लिए। अगर आप ब्राइड हो ना, लाइक आपकी शादी होने वाली है टाइप्स, एंड आपके लिए भी ना बहुत ज्यादा अच्छे ऑप्शन है इसमें। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स शीतल। सो आज की वीडियो में आप लोग ऑलरेडी जानते हो हम लोग लहंगा ट्राई करेंगे मीसो से, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस जस्ट 245 है। एंड मैंने ना सारे अच्छे वाले जो वो होते हैं ना रेटिंग, उसके अकॉर्डिंग मंगाया था, लो टू हाई करके, कि हाँ जो सबसे कम होगा वो भी मंगा के देखूंगी, लेकिन वो दिखने में अच्छा होना चाहिए। एंड आप लोग ऑलरेडी जानते हो जैसे कि वेडिंग सीजन आने वाला है, आपकी फैमिली में भी किसी ना किसी की शादी तो होगी। लाइक मेरे को भी कब बहुत सारे इन्विटेशन आना स्टार्ट हो गए हैं, लाइक अभी से ही, तो रिलेटिव्स में एंड ऑल, तो मैं भी है ना थोड़ी सी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फॉर दिस। एंड मैंने अभी से ही शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया, लाइक अभी से ही मैंने सारा मेहंदी एंड हल्दी एंड सारे मंगा लिए। अगर आप ब्राइड हो ना, लाइक आपकी शादी होने वाली है टाइप्स, एंड आपके लिए भी ना बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है इसमें, बिकॉज हल्दी और मेहंदी में ना तो आप लोग ट्राई करते होंगे कि दिखने में अच्छा हो, फोटोज अच्छी आए, ऐसा लहंगा हो लेकिन ज़्यादा प्राइस भी ना हो, ठीक है। लाइक ज्यादा प्राइस तो ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि जो वेडिंग लहंगा होता है शादी वाला हो, उसमें बहुत ज्यादा प्राइसिंग में चला जाता है। बट आप ट्राई करते हो कि हल्दी और मेहंदी में थोड़ा बजट वाला लहंगा मिल जाए, लेकिन फोटोज वगैरह में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बिकॉज वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और लाइक मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो शादी या पार्टी वार्टी में जाना है तो उसके लिए ना बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं ये लहंगे। और चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना फालतू बकवास करे वो, लेट्स स्टार्ट इट। सो ये हमारा है पहला लहंगा। मैंने ना ओपन सारे कर लिए थे, जस्ट बिकॉज मेरे साथ एक बार जब मैंने कुर्ती हॉल करा था, मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैंने जो कुर्ती मंगाई थी उसकी जगह कुछ पुराना सा कपड़ा आ गया था, गंदा सा, इस वजह से मैं सेम डे ही ओपन कर लेती हूँ, अगर गलत आया तो तुरंत ही रिटर्न कर दो, ऐसा वाला करती हूँ, तो इसलिए सारे ओपन है। तो ये पहला वाला लहंगा है जिसका नाम है सिंपल एम्ब्रॉयडर्ड वुमेन लहंगा, जिसकी प्राइस है 359 ओनली जस्ट। अब आप पहले ना पिक्चर में देख लीजिए, ये ऐसा दिखता है, लाइक वाह, लिटरली बहुत सुंदर लग रहा है पिक्चर में। वैसे कपड़ा वगैरह अभी दिखाती हूँ निकाल के। सो ये है, ठीक है, ये इसका ब्लाउज पीस है, लुक एट दिस। मैंने लैवेंडर कलर में मंगाया, लैवेंडर एंड वाइट में, तो उसमें ना कम से कम 7-8 ऑप्शन है, वो आप अपने मन के अकॉर्डिंग मंगा सकते हो। एंड लुक एट दिस, काफी सही है कपड़ा, तो मेरे को ठीक लग रहा है, ये देखिए। लेकिन 359 या 350 के अकॉर्डिंग ना ये अच्छा लहंगा है, मैं ये नहीं बोलूंगी बुरा है, क्योंकि काफी अच्छा है। ये इसका वो है ब्लाउज, एंड दिस इज अ लहंगा, लुक एट दिस, सी थ्रू है थोड़ा, ठीक है। इसका जो नीचे भी लगाया है ना, वो भी उसमें से भी सी थ्रू हो रहा है, तो ये थोड़ा सा सी थ्रू है। एंड बाकी एम्ब्रॉयडरी देख लो आप, इसकी एम्ब्रॉयडरी है इसमें, लुक एट दिस, काफी अच्छी एम्ब्रॉयडरी है, मतलब मेरे को तो पसंद आई है। अगर इसके नीचे आप लोग कैन वाली जो स्कर्ट होती है ना, जो घेर कर देती है, वो पहनोगे ना काफी अच्छा लगेगा। बाकी मैं ना ट्राई करूंगी कि इनका ट्रायल कर लूँ, मतलब ब्लाउज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन लहंगे का आपको पता लग जाएगा किस टाइप का लग रहा है, और वो मैं यहाँ साइड में लगा दूंगी, एंड आप लोगों को थोड़ा सा वो हो जाएगा कि हाँ ये अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो रिकमेंडेशन के लिए काफी सही रहेगा। एक बार आप लोग देखना कि ये पेपर कैसा लग रहा है, मेरे को ना ओवरऑल अच्छा लगा है, लाइक इसमें ना एम्ब्रॉयडरी या नेट के ऊपर, एंड वो काफी सुंदर भी लग रही है, ऐसी लग रही है काफी अच्छी वाली लग रही है, ऐसी बेकार नहीं लग रही। इसके अलावा ये पूरा नेट का दुपट्टा है, जिसमें है ना साइड में नेट वाली एम्ब्रॉयडरी है, सेम जो लहंगे पे है नीचे की साइड सेम एम्ब्रॉयडरी, बाकी प्लेन दुपट्टा, काफी सही है। अगर इस टाइप का लहंगा आप पहन रहे हो, साथ में कुछ हैवी ज्वेलरी पहन रहे हो, ठीक है, तो लाइक बड़े बड़े झुमका टाइप्स, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड एक बार मैं ट्राई भी करती हूँ लहंगा लहंगा, कि मेरे पर ये वाला लहंगा कैसा लगता है, क्योंकि ब्लाउज तो अभी सिलानी है, बस लहंगा ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो सेमी स्टिच है, तो वैसे टक करके पहना जा सकता है। एक बार मैं दिखा दूँ आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग बताना।
आप लोग ऑलरेडी देख रहे हो यहाँ पे कि ये लहंगा मेरे को ठीक ठाक लग रहा है, लाइक 350 के अकॉर्डिंग सही है यार। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज्यादा सी थ्रू है। आप देख रहे हो मैंने जो ग्रीन कलर का प्लाजो पहन रखा है नीचे, वो भी दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा सी थ्रू है, इस वजह से ठीक है। लेकिन अगर आप व्हाइट कलर की कैन कैन वाली स्कर्ट पहनोगे, हैवी वाली, तो ये पक्का चलेगा। फॉर मी इट्स थम्स अप, बिकॉज यार 350 में और क्या लोगे टाइप्स। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पीस। सो अब जो लहंगा मैं दिखाने वाली हूँ ना, ये लाइक मेहंदी के लिए ना बिल्कुल परफेक्ट है। इफ यू आर ब्राइड और आ ब्राइड मेड तो भाई इस लहंगे को ले लेना। मैं सच्ची कह रही हूँ, इतने सस्ते लहंगे मैं, मतलब इतने सस्ते प्राइस में आप लोग इतना मस्त लहंगा लेने वाले हो। लिटरली मैं जब देख रही थी ना इस लहंगे को, मेरा ना दिल आ गया। मैंने कहा मम्मी इतना अच्छा कैसे आया है, मेरी मम्मा को भी पसंद आया, मेरी मम्मा ने देखे हैं सारे कपड़े, वो भी कह रही थी हाँ ये वाला अच्छा है। तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि यार मीशो पे ना कभी कभी ना अच्छी चीज भी मिल जाती है। एंड मैंने ना इसकी रेटिंग देखी थी, रेटिंग भी 4 समथिंग थी, तो मेरे को इसलिए ये ठीक भी लगा। और इसका प्राइस मैं पूरा बता देती हूँ, इसका नाम जो है वुमन फैंसी लहंगा लहंगा चोली, और इसका प्राइस है 1293, मतलब 1300 समथिंग मान लो, सिर्फ 7 रुपए कम है। तो 1300 में ये वाला लहंगा आया है। लुक एट दिस, लाइक मैं इसे दिखाती हूँ, ये पूरा लहंगा है। एंड इसकी पैकिंग भी अच्छी आई थी, लाइक इसमें आया था ये, तो ये लहंगा आया ठीक है, जो कि 1300 रुपये में आया पूरा। अगर आप ब्राइड हो ना, देखो मैं पर्सनली, मुझे भी लगता है कि शादी वगैरह में इतने पैसे खर्च होते हैं, लेकिन अब उसमें ना हल्दी मेहंदी इन सब में ना थोड़ा कम वाला बजट वाला भी पहन सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। इसमें फोटोज अच्छी आएंगी। सो गाइस इसमें ना मतलब पूरा लहंगा चोली एंड दुपट्टा तीनों आया है, तो ये काफी हैवी है। लुक एट द लहंगा, आई एम सो हैप्पी। आप लोग देख रहे हो ना इसमें लाइट भी ब्लिंग ब्लिंग कर रही है, तो लिटरली नाइट में, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन रात को ही होता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि सुबह हल्दी करते हैं, शाम को मेहंदी वेहंदी करते हैं, तो उसमें ना बहुत सही रहेगा। एंड ये जॉर्जेट है, जॉर्जेट के ऊपर ना ऐसी जो गोल गोल वाले वो होते हैं, ये स्टोन नहीं है, लेकिन ये प्लास्टिक के नहीं होते जिसमें से लाइट ऐसी चमकती है, वैसा ही वाला है, प्लास्टिक है। तो वैसे वाले मोती लगे हुए हैं एंड पूरा गोल्डन से डिजाइन बना हुआ है। तो ये मैं दिखाती हूँ, ये ऊपर की बेल्ट है जो पहननी है। सारे लहंगे सेमी स्टिच है, वैसे वाले नहीं है, मतलब पूरे बने हुए नहीं आए, ठीक है। लुक एट दिस, मतलब पूरे फ्रेम से भी निकल रहा है, काफी अच्छा घेर है इसमें, ठीक है। ये ऊपर की बेल्ट है, एंड बेल्ट के साथ ही ये ब्लाउज और उसका नीचे वाला जो होता है ना अस्तर, वो जुड़ा हुआ आया है, तो ये चीज अच्छी है, ठीक है। 1300 रुपये में सब कुछ आया है। ये ब्लाउज बन जाएगा आपका, जैसे मैं पहले है ना, आप लोग फोटो भी देख लीजिए, ये फोटो है। अगर सेम इस टाइप का बनाएंगे ना, लिटरली कह रही हूँ, बहुत प्यारा लगेगा यार, कसम से बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। मतलब मैं अभी सोच रही हूँ। सो ये ना यहाँ से आप लोग देख रहे हो, स्टार्टिंग में पहले बेल्ट पर डिजाइन है, फिर यहाँ से ऐसे नीचे तक ये है, और नीचे ऐसे वाले डिजाइन है, ठीक है, दिखाई दे दूंगा आप सबको। तो ये पूरे में एंड इसके पीछे ना लाइनिंग भी लगी हुई है ऐसे वाली, एंड काफी सही है यार। और इसके अलावा कैन कैन नहीं होती है जो आपका घेर देती है लहंगे में, वो भी आया है। और ये ना मतलब ऐसा छोटा सा नहीं है कि आपके ऊपर गंदा लगेगा, ये काफी घेर वाला है, बहुत सही है, और मीन्स अमेजिंग। मेरे को ना बहुत ज्यादा सही लगा, लाइक सिर्फ 1300 रुपये में। लाइक बहुत सारे लोग जाते हैं, जैसे चांदनी चौक में मैं भी शॉपिंग करने गई थी, तो वहां पर भी मैंने देखे हैं कि जो हल्दी और मेहंदी के लहंगे स्टार्ट होते हैं, वो भी 2000 2500 ऐसे स्टार्ट होते हैं, ठीक ठाक दिखने वाले। नहीं तो जैसे मैंने अभी दिखाया था ना 300 रुपये वाला, वैसे वाला वो देते हैं 500 600 और 1000 रुपये में। तो ये सच है कि हाँ मीशो पे अगर तुम ठीक ठाक लोगे, देख के रेटिंग वगैरह, और थोड़ा 1500 तक का लोगे तो ठीक ठाक मिल जाएगा, लेकिन रेटिंग जरूर देखना है, क्योंकि काफी ज्यादा फ्रॉड भी हो जाता है जब रेटिंग नहीं देखते, कि लोगों ने ना रेटिंग में डाल रखा होता है गंदा है बेकार है ऐसा वाला। तो अभी मैंने जितने भी लिए हैं तो रेटिंग देख के ही लिए हैं, एंड यस जहाँ पे लिखा भी रहता है मीशो ट्रस्ट, वो वाले ही लिए हैं तो मैंने।
तो आप लोग ये देखो ऐसा कैन कैन है, एक बार मैं पहन के भी देख। सो गाइस आप लोग देख रहे हो कैसा लग रहा है मेरे पास। आई एम लिटरली लव दिस लहंगा, बिकॉज यार मेरे को ना प्राइस के अकॉर्डिंग लगा नहीं था इतने सस्ते में इतना सही पीस मेरे को मिलने वाला है, तो मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद आया। आप लोग बताइए। एंड इसके अलावा मैं दुपट्टा भी दिखा देती हूँ। दुपट्टा है ये वाला नेट का दुपट्टा है पूरा, एंड जिसका टैसल्स है लाइक दो साइड में ऐसे वाले टैसल लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे डिजाइन वाले, एंड जिसपे ऐसे मोती वाला वर्क जो आप लोगों ने लहंगे पे देखा था वो वाला हो रखा है, और ये पूरा नेट का है। वैसे सही है, पूरा हैवी लहंगा है और नेट का दुपट्टा है थोड़ा हल्का सा, तो अच्छे लगेंगे एंड फोटोज वगैरह अच्छी आएगी। और नेट का दुपट्टा ना थोड़ा हल्का होता है, तो आप लोगों के जैसे हाथ पे मेहंदी वेहंदी लगेगी एंड पैर पे लगेगी तो थोड़ा ना फ्री फ्री फील होगा, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा थम्स अप है। एंड आई लव दिस सो मच, ये मेरा फेवरेट है अभी तक का। लेट्स सी, और मेरे को लग रहा है हल्दी वाला ना बहुत तगड़ा होने वाला है, वो वाला भी, बिकॉज़ मैंने देखा है। तो आप लोग चलते हैं नेक्स्ट लहंगे पे, आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी मजा आने वाला है, अगला वाले लहंगे देखते हैं जल्दी से। तो ये है मेरा थर्ड वाला लहंगा, जिसका नाम मैं बता देती हूँ। थर्ड कौन सा था, हाँ फैंसी नेट लहंगा चोली, जिसका प्राइस है जस्ट 249 रुपीज। ये सबसे सस्ता वाला लहंगा है एंड इट्स नॉट, पहले फोटो देख लीजिए आप लोग कैसा लग रहा है, लाइक लुक एट दिस। इसकी स्कर्ट काफी अच्छी लग रही है, ऐसे फ्लेयर वाली लग रही है, एंड ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक आएगा, इतना बेकार नहीं आएगा टाइप्स। बट 249 का लहंगा 249 रुपीज जैसे ही आया है, मतलब इतना मैं क्या बताऊँ, उसमें मैं बुरा भी नहीं बोल सकती, अच्छा भी नहीं बोल सकती, पता नहीं क्या बोल सकती। तो ये इसके साथ आया लहंगा चोली एंड दुपट्टा, दुपट्टा भी आया है 249 में। तो ये इसका ब्लाउज पीस है, आप ऊपर से चोली बनवाएंगे वो है, और नीचे अस्तर वाला भी दिया हुआ है, तो ये चीज अच्छी है तीनों लहंगे में, मतलब साथ में अस्तर का दिया हुआ है, ये चीज मेरे को सही लगी। एंड ये इसकी स्कर्ट है, स्कर्ट लाइक तो उसमें जैसी दिखाई थी ना प्लेन स्कर्ट है एकदम, एंड ऐसे पूरी नेट वाली है ये, ठीक है देख रहे हो ऐसी झालर टाइप है, लेकिन ऐसा अच्छा वाला नेट नहीं है, मतलब थोड़ा लग रहा है चीप टाइप का। तो इस वाले लहंगे को मैं ना कभी शादी में या किसी भी पार्टी में नहीं पहन के जा सकती, मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ। लाइक अगर मेरे को कहीं जाना पड़ा इस लहंगे को पहन के, तो मैं कभी नहीं जाऊंगी, ये सच है। इसमें ना आप लोग पहले लहंगे का मैं पूरा बता रही हूँ, बेल्ट प्लेन है इसकी एकदम, ठीक है, एंड इसमें ऐसी ऐसी वाली झालर है पूरे लहंगे में, ठीक है, एंड नीचे तक तो ऐसी वाली झालर है। ये है इसका दुपट्टा जो बिल्कुल नेट वाला दुपट्टा है, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो एक बार मैं आप लोगों को ट्राई करके भी दिखाती हूँ। उससे पहले मेरे को ये बोलना है कि ये वाला लहंगा कोई भी मत खरीदना, सिर्फ सस्ता देख के ले लेते हैं, फिर बाद में दुख होता है यार इसे तो कैसे पहन के जाएंगे, अच्छा भी नहीं लगेगा टाइप्स। इससे अच्छा तो खुद प्लेन स्कर्ट वगैरह नहीं होते है, कपड़ा लेके स्टिच करवा लो, वो वाली ज्यादा प्यारी लगती है अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि नेट का कपड़ा लाके आप नॉर्मली किसी फैमिली में अगर किसी को स्टिचिंग वगैरह आती है या बाहर जाके कहीं सिलवा सकते हो तो वो करवा लेना, बट ये वाला मत लेना यार 249 में, मतलब वर्थ इट ही नहीं है। शादी में जा रहे हो पहन के ही नहीं जा पाओगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को पर्सनली ये फील हो रहा है कि अच्छा नहीं लगेगा। एक बार पहन के भी देख लेते हैं कैसा लगता है, एंड लेट्स सी। सो गाइस 2 दिन के बाद मुझे ना दो और लहंगे रिसीव हुए, तो उनकी हिस्ट्री मैं अगर आप लोगों को बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ है। लिटरली मैंने अभी आप लोगों ने पहले वाली वीडियोज देखी होंगी, एंड उसमें मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि मेरे को जेनुअनली देखा जाए काफी अच्छे लहंगे रिसीव हुए थे। लेकिन अब जो मेरे साथ हुआ ना, लिटरली बता रही हूँ मेरे साथ एकदम स्कैम हुआ है। मैंने देखो पहले वाला दिखा देती हूँ, ये मैंने ऑर्डर करा था, और इसमें कैसे फ्लावर एंड ऑल लगे हुए हैं, पूरा ऐसे बड़ा सा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे को क्या रिसीव हुआ है, लुक एट दिस, टोटली डिफरेंट थी, मतलब है तो लहंगा लेकिन डिफरेंट है एक। तो ये है उसके बाद वाला, तो और भी बेकार हिस्ट्री है लाइक। तो ये है लहंगा जो कि आपको दिखाया है, लाइट पिंक एंड रेड काजरी टाइप का है, ठीक है, एंड लुक एट दिस। तो ये भी ओके ओके लाइक 589 में ये भी दे दिया, ठीक है, लेकिन इसके बाद वाले में तो मुझे कुछ और ही रिसीव हुआ लाइक,
मैंने ऑर्डर लहंगा करा है, लेकिन मेरे को कुछ और ही आया है। लाइक आप गंदा सा सूट आया है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पिक्चर, क्योंकि मैंने वो रिटर्न भी कर दिया। तो ये है दुपट्टा, लुक एट दिस। तो एक बार मैं ट्राई करके आप लोगों को दिखाती हूँ, एंड आप लोग देखना एंड बताना कि ठीक है 500 के रुपये की अवॉर्डिंग ठीक है, नहीं है, क्या है क्या नहीं है। सो आप लोग जल्दी बताना। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट लहंगे पे। ये वाली पिक्चर ले लो, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम प्रॉपर हल्दी अप्रोप्रिएट, कि आप लोगों क्या हल्दी है ना, आप लोग वियर कर सकते हो उस टाइप का। वही सोच के मैंने मंगाया था, देन हुआ मेरे साथ क्या कि मेरे को मिला ये। लिटरली गाइस, मैं इतना फेड अप हो गई थी उस टाइम, एंड आई वाज लाइक कि भाई, मैंने स्टार्टिंग में जब लहंगे देखे, मैंने ना इससे पहले कीमासी की आप लोग वीडियो देखते होंगे, नहीं देखते होंगे, मैंने ऐसे रिव्यू करने के लिए देखा था कि ठीक है कौन कौन से बेटर है समथिंग। तो उस बेचारी लड़की के साथ भी सेम ही चीज हुआ था कि उसने ना, उसके साथ 3 या 4 लहंगे में हुआ था कि तो ऑर्डर कुछ और करा, एंड इतने गंदा, कोई गंदी सी साड़ी दे दी है, जैसे कि मेरे को गंदा सा सूट दे दिया था। तो कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ और मिल रहा है, तो ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। एंड एटलीस्ट मीशो को समझना चाहिए कि हमारी वजह से, जो क्रिएटर्स हैं उनकी वजह से, अगर उन्हें वर्क काम मिल रहा है, तो कम से कम यार, कोई भी ऑर्डर बंदा ऑर्डर कर रहा है, पैसे दे रहा है, तो कम से कम ठीक ठाक प्रोडक्ट तो भेजे। मैं मीशो वाले की भी कोई गलती नहीं, गलती है उन फेक फ्रॉड जो वहां पे दुकान खोल के बैठे हैं, शॉप ओपन करके बैठे हैं, उन लोगों की गलती है, लिटरली बता रही हूँ मैं। मैंने जब लहंगा ले रही थी ना, मेरे सारे ये फंक्शन वाले, तो उसमें ना मैंने ये नहीं देखा था कि भाई, मतलब मैंने सारे रिव्यू चेक करके लिए थे कि अच्छे रिव्यू वाला है या गंदा रिव्यू वाला, नहीं होगी गंदा रिव्यू वाले में यही होता है कि प्रोडक्ट कुछ और मंगाते हैं कुछ और आ जाता है, इसलिए मैंने सारे अच्छे रिव्यू वाले ही सर्च करे थे। एंड वही होता है कि अगर तुम अच्छे रिव्यू वाले भी सर्च कर रहे हो, तुम्हारे साथ फिर भी वो लोग भी फ्रॉड कर रहे हैं, तो मीशो पे तो बहुत कम ट्रस्ट रहा है। लाइक व्हाई यू गाइज डूइंग दिस, एंड कोई आई डोंट नो, मैंने कंप्लेन वगैरह जो होती है रिटर्न के लिए वो तो कर दिया, और इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, वहाँ पे बताना होता है कि वो रिटर्न कर रहे हैं, तो वो सब डाल दिया है। आई विश मीशो वाले थोड़े उसे चेक करें, एनालाइज करें, एंड लोगों की, मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसे डाल रखे हैं कि फेक प्रोडक्ट आया, गलत आया, गलत प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, तो देखते हैं कि क्या होता है बाकी। सो गाइज, यही थी अभी तक की वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया है, रिकमेंडेशन थोड़ी ठीक ठाक, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। एंड आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार कंटेंट इंस्टाग्राम पे भी मिलने वाला है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप लोग, मतलब आप लोगों को इससे रिलेटेड, वेडिंग सीजन से रिलेटेड या ब्राइडल सीरीज आप लोगों को देखने, आप ये मेरी वाली ब्राइडल सीरीज देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कॉन्टेंट डाल दूँ। आई होप यू गाइस लाइक इट। सो बाय, टाटा, टेक केयर।